पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर दिल्ली में उनकी समाधि वीरभूमि पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने श्रद्धांजलि दी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा ने भी वीरभूमि पर जाकर राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में एनएसए स्तर की बैठक से पहले पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया है। भारत ने पाकिस्तान के इस रुख पर नाराजगी जताई है, साथ ही चेताया है कि अगर पाक एनएसए सरताज अजीज और उच्चायुक्त अब्दुल बासित अलगाववादी नेताओं से मिलते हैं तो हम करारा जवाब देंगे। उफार अग्निकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुशील और गोपाल अंसल को 30-30 करोड़ का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी औपचारिक आदेश नहीं दिया है। बिहार सम्मान समारोह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार के लोग एक दिन काम न करें तो दिल्ली ठहर जाएगी। आने वाले दिनों में बिहार की ताकत साबित करनी है। दिल्ली का मूड देश ने देखा, अब बिहार का मूड देखिए। जो दिल्ली का मूड है वही देश का मूड है। बिहार में सितंबर के पहले हफ्ते में चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। दशहरा से पहले और दीपावली के बीच कुछ चरणों में मतदान करवाए जाने के संकेत मिले हैं। चुनाव आयोग की तैयारी दीपावली तक चुनावी परिणाम को भी निपटाने की है। एसपी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने मंगलवार को एक और विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा कि बलात्कार की कुछ घटनाएं जानबूझकर गैंगरेप की तरह पेश की जाती हैं और पीड़िताएं जानबूझकर ज्यादा लोगों को आरोपी बनाती हैं। कोर्ट ने छात्र को हिरासत में देने की पुलिस की मांग को फिलहाल यहां पर ठुकरा दिया है। एफटीआई छात्रों पर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार तानाशाही कर रही है। पाकिस्तानी आतंकी नावेद ने पॉलीग्राफ टेस्ट में ऐसे कई बड़े खुलासे किए हैं। नावेद ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान की आईएसआई के लोग भी लश्कर के ट्रेनिंग कैंप में मौजूद रहते हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना राष्ट्रपति की पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंची। शेख हसीना ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल के पीएम पर हमले का जवाब देते हुए कहा कि राहुल जी जो बात कह रहे हैं वो उनकी समझ के हिसाब से ठीक होगी। जो लोग सोने का चमचा लेकर राजनीति में आए हैं उन्हें ना जमीन की हकीकत का पता होता है, लोगों के विकास के बारे में भी कोई समझ नहीं होती। जम्मू कश्मीर के डोडा में छात्रों ने डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर पर प्रदर्शन किया। टीचरों ने छात्रों को नेशनल एंथम नहीं गाने दिया। लुई बर्जर मामले में गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत को 1,00,000 रुपए के मुचलके पर अग्रिम जमानत मिल गई है। बाबू सिंह कुशवाहा की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिका में दिया गया लंबे समय से जेल में बंद होने का हवाला। एनआरएचएम घोटाले के आरोपी हैं बाबू सिंह कुशवाहा। दिल्ली एनसीआर में पेट्रोल से भी महंगी हुई प्याज, 70 से 80 रुपए प्रति किलो प्याज की कीमत पहुंच चुकी है। मौसम की मार से पैदावार कम होने के चलते महंगा प्याज अब लोगों के आंसू निकाल रहा है। लखनऊ के अलीगंज इलाके के बड़ा चांदगंज इलाके में मेडिकल स्टोर पर बैठे एक युवक को संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत हो गई। पीड़ित परिवार इसे पारिवारिक संपत्ति का विवाद बता रहा है। फिरोजाबाद में ऐसे स्कूल हैं जो हर समय पानी से घिरे रहते हैं। हालात यह है कि स्कूल के चारों तरफ पानी ही पानी है। जरा सी बरसात हुई तो स्कूल में छुट्टी कर दी जाती है, लेकिन अधिकारियों को इससे कोई सरोकार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी 26 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिरोजाबाद के एसएसपी से बात करेंगे। सुनकर पूरे जनपद की पुलिस उत्साहित है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए फिरोजाबाद में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें सिपाहियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। यूपी सरकार में राज्य मंत्री और मुजफ्फरनगर की शहर सीट से विधायक चितरंजन स्वरूप का निधन हो गया। चितरंजन स्वरूप काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने वेदांता हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। सीतापुर पुलिस अपनी नाकामी को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में है। मंगलवार की रात पुलिस की हिरासत से एक वांछित आरोपी संदना थाने से फरार हो गया। पुलिस ने मामले को दबाए रखा। इसके बाद बुधवार की सुबह थाने से कुछ ही दूरी पर फरार आरोपी का शव पुलिस ने बरामद कर लिया।
अलीगढ़ के थाना खैर क्षेत्र स्थित शिवाला नहर पर बाइक सवार तीन लोगों ने 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर तेजाब से हमला कर दिया। बुजुर्ग महिला को गंभीर हालत में मेडिकल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है।